दोस्तों जल्दी बालवीर 3 में बालवीर के फादर की एंट्री होने वाली है एंड इस रोल को मनीष खन्ना जी प्ले करने वाले हैं। एंड अभी जो शो में बेनाम को दिखाया जा रहा है वही बालवीर की असली माँ है। तो इन सभी के बारे में हमने इससे पहले आप सभी को बता ही दिया था, लेकिन अभी बालवीर के जो फादर का कैरेक्टर होने वाला है बालवीर 3 में उनको लेकर हमें कुछ अपडेट्स मिले हैं जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर ले बालवीर के फादर के नेम के बारे में, तो बालवीर के फादर का नाम होने वाला है शो में भस्म। जी हाँ, इनका नाम होने वाला है भस्म और आपको तो पता ही होगा कि ये शो में एक निगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो मुझे देना चाहिए सागर की बातों में आ गया और अपने पिता को कालोक से आजाद करवा कर ले आया। दोस्तों बालवीर 3 में आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि भस्म जो है वो काललोक में कैद था और वहाँ से बालवीर उन्हें आजाद कराता है। दोस्तों आई नो कि आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि क्या ये काललोक बालवीर रिटर्न्स वाला है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि ये काललोक बालवीर रिटर्न्स वाला ही हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले देवजोत एक इंटरव्यू के दौरान बताए थे कि हम बालवीर सीजन 1 और सीजन 2 को सीजन 3 से कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये जिस काललोक के बारे में बात हो रही है ये बालवीर रिटर्न्स वाला ही हो। आने वाले टाइम में आपको बालवीर 3 में देखने को मिलेगा कि भस्म जो है वो आगिल के बहकावे में आ जाते हैं और बुराई का साथ देते हैं, और आगिल भस्म को बालवीर के भी अगेंस्ट खड़ा करेंगी, मतलब कि दोस्तों यू के है तो आगिल भस्म को एक मोहरा बनाने वाली है बालवीर से लड़ने के लिए। दोस्तों बालवीर के फादर का जो कैरेक्टर है भस्म वो उन्हें दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान दिखाया जाएगा और इसीलिए आगिल भस्म को बालवीर के अगेंस्ट खड़ा कर रही है ताकि वो बालवीर से जीत पाए। एंड दोस्तों यदि आप लोग बालवीर 3 के शूटिंग के कुछ लेटेस्ट वाले बिहाइंड द सीन्स के वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में कुछ इस टाइप की भी स्टोरी दिखाई जाएगी कि आगिल की जो आत्मा है वो बेनाम के शरीर के अंदर चली जाएगी और बेनाम की जो आत्मा है वो आगिल के शरीर के अंदर चली जाएगी। मतलब कि दोस्तों बालवीर 3 के आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप लोग आने वाले एपिसोड्स को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।